हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजरात चेस जोन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ओपनिंग तो है ही हमारे पास और ये वीडियो ओपनिंग के लिए ही बना है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट के ऊपर आज बताने वाला हूँ, जिसे कहते हैं आइसोलेटेड पॉन। आइसोलेटेड पॉन कुछ कुछ ओपनिंग्स में ऐसे ही दिखेंगे आपको, जैसे कि पैनो बोटोनिक अटैक जो कैरोकान का वेरिएशन है, फिर है अलेपाइन जो सिसिलियन का वेरिएशन है, बोथ क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड और डिक्लाइंड, दोनों में आइसोलेटेड पॉन बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ निम्जो इंडियन डिफेंस और भी कुछ अलग अलग ओपनिंग्स जिसमें आइसोलेटेड पॉन बहुत काम करता है। कई बार आइसोलेटेड पॉन वीकनेस भी क्रिएट करता है और कई बार आइसोलेटेड पॉन स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। तो ब्रेक थ्रू के बारे में हम देखेंगे आज, D4 to D5, मतलब इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ये पोजीशन पैनो अटैक में आती है और बहुत सारे जो मैंने आपको बताई है उस ओपनिंग्स में ऐसी पोजिशन आती है जो आइसोलेटेड पॉन का भाग करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ गेम्स कैरोकान डिफेंस में जो ये पोजीशन क्रिएट करती है। तो शुरू करते हैं पैनो अटैक, E4 C6 D4 then D5 E takes D5 C takes D5 then C4 D into C4। अब यहां आप देख सकते हो कि जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, 4 pawn किंग साइड है, 2 pawn क्वीन साइड है, व्हाइट के 2 pawn क्वीन साइड है और यहाँ पे 3 pawn किंग साइड है, लेकिन 1 pawn जो सेंटर में है ये व्हाइट का पॉन शुरुआत से ही आइसोलेटेड पॉन बन गया है। तो ये आइसोलेटेड पॉन किस तरह स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीकनेस क्रिएट करता है। यहाँ पे बिशप टेक्स C4 ये हमारी मूव है। पैनो अटैक में कोई पॉन टेक्स पॉन मारता है तो ये पोजिशन आती है। हमने आज तक जो गेम देखी उसमें पैनो अटैक के अगेंस्ट जब आप C4 करते हो तो ब्लैक नाइट F6 या फिर E6 से रिप्लाई देके सेंटर बचा के रहता है, लेकिन कुछ ब्लैक प्लेयर्स ऐसा सोचते हैं कि व्हाइट का ये पोन कैप्चर करने के बाद सेंटर पोन आइसोलेटेड हो जाएगा, जिसका एडवांटेज उन्हें एंड गेम में मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। बिशप टेक C4, उसके बाद यहाँ A6 जरूरी मूव है क्योंकि Bb5 चेक, नाइट C3 टू नाइट B5 की भी थ्रेट आने वाली है, उसे पहले से ही स्टॉप करने के लिए ब्लैक ने A6 किया है। यहाँ व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट F3, ब्लैक खेलेगा Nc6 और व्हाइट कैसल किंग साइड। अब पोजीशन ये है दोस्तों कि यहाँ पे ब्लैक के किंग साइड के तीनों पीसेस अभी तक घर में है और ब्लैक ने कैसल नहीं किया है, इसका एडवांटेज शुरू से ही व्हाइट को मिलने वाला है। यहाँ पे क्वाइट ऐसा बता रहे ऑथर ने ऐसा लिखा है कि बिफोर कैसलिंग यहाँ पे D5 जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कैसलिंग इज गुड। कैसलिंग के बाद ब्लैक खेलेगा E6, अब उसे D5 स्टॉप करने के लिए E6 जरूरी है, वरना व्हाइट ने कैसलिंग नहीं किया है ब्लैक ने, तो व्हाइट उसका एडवांटेज डिफाई करके जल्दी ले सकता है। E6 के बाद व्हाइट प्रेशर और डेवलप दोनों करेगा, नाइट C3 से D5 पे प्रेशर भी हो रहा है और डेवलप भी हो रहा है। यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट F6 क्योंकि किंग साइड के एक एक पीस धीरे धीरे बाहर निकाल के कैसलिंग की आइडिया है। आफ्टर नाइट F6 यहाँ पे ब्लैक ने एक टेम्पो लॉस किया है, जैसे कि A6 के बाद वो B5 करके बिशप को डेवलप करके खेल सकता था, लेकिन नाइट F6, अब यहाँ पे D5 बेस्ट मूव है दोस्तों। शुरुआत से ब्लैक ने कैसल नहीं किया है तो तुरंत सेंटर में D5 करने के बाद अब जो आपका आइसोलेटेड पॉन का जो प्रेशर था कि आपके पास जो आइसोलेटेड पॉन था वो तो ओपनिंग में ही एक्सचेंज हो रहा है, तो अब आइसोलेटेड की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे D5 के बाद ब्लैक खेलेगा नाइट A5। अब अगर नाइट A5 के बदले ब्लैक यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन लेता है
तो भी व्हाइट को कोई दिक्कत नहीं है, सेम यहाँ पर नाइट टेक्स डी फाइव, उसके बाद नाइट टेक्स डी फाइव और बिशप टेक्स डी फाइव, बिशप ई सेवन और बिशप एफ फोर। अब ये पोजीशन काफी स्ट्रांग है, कैसल के बाद रुक ई वन और धीरे धीरे प्रेशर बनता रहेगा। तो ये पोजीशन में वाइट काफी अच्छा खेलेगा, इसलिए ब्लैक पॉन टेक्स पॉन नहीं लेगा। काउंटर अटैक किया है ब्लैक ने डी फाइव के, नाइट ए फाइव बिशप पे काउंटर अटैक, नाइट ए फाइव के बाद एक सरप्राइज मूव वाइट के लिए है, पॉन टेक्स पॉन अनप्लेजेंट सरप्राइज है। क्वीन टेक्स डी वन, अब क्वीन टेक्स डी वन इसलिए कि अगर नाइट टेक्स बिशप ले सकते हैं तो सिंपल क्वीन ए फोर चेक के बाद व्हाइट को अपना पीस तुरंत वापस मिल रहा है। तो ब्लैक सोच रहा है कि क्वीन टेक्स डी वन कर दे आफ्टर रुक, यहां पे ई इंटू एफ सेवन विनिंग द पॉन, किंग ई सेवन, रुक टेक्स डी वन, नाइट इंटू सी फोर, पॉन बी थ्री, नाइट बी सिक्स, नाइट डी सिक्स में बिशप ए थ्री ये बेस्ट ऑप्शन है, और उसके बाद आपको ये पीस पे ज्यादा प्रेशर बनने के बाद पीस मिल जाएगा। तो नाइट बी थ्री ये उसके लिए काफी अच्छा मूव, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे नाइट जी फाइव के बाद एफ सेवन पॉन के ऊपर सपोर्ट आ जाता है, और एच सिक्स के बाद बिशप ए थ्री, और यहाँ पे वाइट विनिंग द गेम क्योंकि चेकमेट है। तो ये पोजीशन है एक, दूसरी एक आपको गेम दिखा रहा हूं, जो गेम टोटल होगी 20 मूव्स, 20 मूव्स की एक गेम देख लेते दोस्तों। इसी सिचुएशन में आइसोलेटेड पॉन के बारे में, यहां पे ई फोर सी सिक्स, डी फोर आफ्टर डी फाइव, ई डी फाइव सी डी फाइव, सी फोर डी इंटू सी फोर, बिशप टेक्स सी फोर, ई सिक्स। ये पहले ब्लैक ने ई सिक्स कर दिया, यहां पे कोई बात नहीं, मूव ऑर्डर चेंज होता रहता है। नाइट एफ थ्री, ब्लैक नाइट सी सिक्स और कैसलिंग सेम पोजीशन आ गई जो लास्ट गेम में हमने देखे थे। यहां पे ब्लैक ने एक ट्राई किया, नाइट एफ सिक्स के बदले बिशप ई सेवन पहले खेला है, बिशप ई सेवन तो रुक ई वन, उसके बाद नाइट एफ सिक्स, नाइट सी थ्री और ब्लैक कैसल किया। ये पोजीशन जो पहले गेम देखी उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ब्लैक का कैसलिंग हो चुका है। व्हाइट ने ए थ्री किया है, यहाँ पे ब्लैक ने ए सिक्स टेम्पो लेने के लिए, बी फाइव के लिए बिशप ए टू एक वेटिंग मूव, सामने वाले को बिना टेम्पो दिए आर ई एट, बिशप जी फाइव, यहाँ पे बी फाइव और अर्ली अटैक कर दिया है व्हाइट ने डी फाइव करके। आफ्टर नाइट इंटू डी फाइव, व्हाइट नाइट टेक्स डी फाइव, बिशप टेक्स जी फाइव, बिशप टेक्स जी फाइव और यहाँ आफ्टर नाइट इंटू जी फाइव क्वीन टेक्स जी फाइव, नाइट सी सेवन और यहाँ पे फॉर्क आपको एक्सचेंज मिल रहा है, लेकिन ब्लैक रिप्लाई देगा रूक डी एट से और क्वीन सी वन। अब ये ब्रिलियंट मूव है, डबल अटैक ऑन सी सिक्स नाइट और जी फाइव क्वीन, तो क्वीन इंटू सी वन आफ्टर रूक टेक्स सी वन, फिर बिशप बी सेवन, नाइट
और नाइट इंटू ए एट, बिशप टेक्स ए एट और आर ई डी वन और यहाँ पे सिंपल विनिंग द गेम। तो ये थी दो गेम्स आइसोलेटेड पॉन के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो कैरोकान डिफेंस में ही है। तो दोस्तों कैरोकान के डिफेंस के सारे वेरिएशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों अब आते हैं गेम ऑफ द डे पे। तो आज की गेम मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया गेम खेली है मैंने। तो पूरी गेम देखिए, डी फोर एफ फाइव स्टोन वॉल डच के बारे में है ये गेम। इसका रिप्लाई बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग मूव में है। नाइट एफ थ्री, एन एफ सिक्स, एच थ्री, डी सिक्स, नाइट सी थ्री, जी सिक्स और जी फोर। यहाँ पॉन सेक्रीफाइस की एक मूव होती है जहाँ से वाइट को बहुत ही अटैक मिलता है। ब्लैक बिशप जी सेवन, पॉन टेक्स पॉन ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वाइट की ओर से बहुत अटैक आएगा। पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स पॉन, बिशप जी फाइव थ्रेट, बिशप टेक्स नाइट और फिर ई फोर का प्लानिंग है। बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स और ई फोर, अब पूरा सेंटर वाइट के हाथ में। बिशप डी सेवन, ई फाइव, बिशप जी सेवन, क्वीन ई टू, आइडिया है पॉन टेक्स पॉन का, ब्लैक कैसल, लॉन्ग कैसल, ई फाइव। ब्लैक भी चाहता है हमारे किंग साइड अटैक करने के लिए। यहाँ पे सिंपल ई सिक्स और ये ब्लैक जो वाइट स्क्वायर का बिशप है बिल्कुल बैड हो जाएगा। बिशप ए एट, किंग बी वन वेटिंग मूव और ए एच फोर, क्वीन ई सिक्स और यहाँ पे जोरदार सेक्रीफाइस। चेकमेट का प्लान है दोस्तों, बहुत सारे मूव्स लगेंगे मेट करने के लिए लेकिन पूरा कैलकुलेटेड मूव है। अब क्वीन एच थ्री की थ्रेट है, रूक एफ फाइव, बिशप ई सिक्स, काउंटर अटैक, नाइट टेक्स नाइट, रुक टेक्स और फिर बिशप सी फोर और उसके बाद रुक एच टू, रुक लिफ्ट किया है, बिशप ई सिक्स। अब यहां पे आप देख सकते हो कि रुक के पास कोई अच्छा स्क्वायर नहीं है तो ब्लैक को फोर्सफुली रुक सी फाइव खेलना पड़ रहा है क्योंकि सभी मूव में उसका रुक लॉस होगा, जैसे कि रुक डी फाइव में बिशप ई फोर और रुक ट्रैप हो रहा है। रुक एफ एट एक मूव ओनली होप है। रुक एफ एट में क्या कर सकते हैं, अगर रुक एफ एट जाता है तो नेक्स्ट मूव रुक एच वन, देन क्वीन एच थ्री और क्वीन एच सेवन मेट, बहुत सारे ऑप्शन है व्हाइट के लिए, विनिंग मूव है। तो ब्लैक ने यहाँ पे एक ब्लंडर किया है, रुक सी फाइव के बदले रुक डी फाइव बेटर था और उसके बाद ब्लैक ने रिजाइन किया। लेकिन विनिंग तो व्हाइट की ही है, बहुत ही जल्द ही बहुत ही कम मूव में हमने ये गेम 23 मूव में विनिंग कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की गेम और आज की ओपनिंग। नेक्स्ट टाइम जल्द ही मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ, नए अलग अलग वेरिएशन के साथ। तो चैनल से के साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आएगा हर एक ओपनिंग सीखने के लिए। जय हिंद, जय गुजरात।